लंपी वायरस के चलते रोक लगाई गई थी। जी जी। जल्द ही लिखित आदेश आ जाएगा जी। मंत्री जी का आदेश भी हो चुका है। जी। इस ठंडक के महीने में देसी नस्लों का थोड़ा रख रखाव कर सकते हैं, कंघी कर सकते हैं इन पशुओं को जी। वो थोड़ा जो है क्रॉस ब्रीड पे और जर्सी पे काम करें जी, तो उनको जो है बेहतर लाभ मिलेगा इससे। इसका गलकंबल भी आप देख सकते हैं। और शौकीन लोग होते हैं जो पैसा कभी नहीं देखते, परेशान हो जाएगा जी जी। तो गाय नहीं समय पे सीमन पड़ेगा तो गाय जो है आगे। जयराम जयराम, कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, हम अक्सर आते रहते हैं जी। और गाय भी जा चुके हैं हमारे यहाँ, यहाँ से गाय ले गए। गाय ले गए हैं, अच्छी गाय जो भी कहते हैं जी वैसा ही होता है। राम राम सर। राम 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 भैया। कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं। जी जी जी। तो पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, हम दो तीन बार आ चुके हैं यहाँ जी जी। और यहाँ से ले गए? जी जी ले गए हैं। तो हम ये चप ले गए यहाँ से पिछले हफ्ते और काफी अच्छी दोनों बछिया निकली हैं। कितना लीटर दूध वाली ले गए हैं? 15+ वाली। 15+। हाँ, तो कितना यहाँ पर बताया गया वहाँ पर आपके यहाँ जाकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भैया का मतलब विश्वसनीय बात है, जो वो बोले हैं वो बिल्कुल सत्य हुआ और जितना बता के वो भेजे थे उतना गाय वहाँ हमारे घर पे दूध दे रही है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यादव डेयरी फार्म पर, और जो गोसाईगंज में है। और इस वीडियो में हम कुछ साहिवाल और कुछ साहिवाल क्रॉस में गाय जो है सेल के लिए उपलब्ध है, तो इनका क्या डिमांड है, इनका दूध कितना है, दांत में कितनी है और कौन सी बच्चा दी है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उससे पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है ब्रिजभान सर, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने फार्म का पूरा एड्रेस एक बार बता दीजिए। मैं ब्रिजभान सिंह यादव, लखनऊ उत्तर प्रदेश गोसाईगंज का, लखनऊ का एक ब्लॉक गोसाईगंज जो सुल्तानपुर रोड से मात्र 500 मीटर दूरी पे अपना मोहनलालगंज नई जेल रोड पे फार्म पड़ता है। पूर्वांचल के लोगों के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जहाँ पे उतर रहा है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जी। और इधर जो बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये लोग कानपुर से जो उरई जालौन ये आते हैं, ये लोग जो है कानपुर से सीधा रोड आया है मोहनलालगंज, उसी रोड पे गोसाईगंज में हमारा फार्म पड़ता है। नए पशुपालकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? नए पशुपालकों के लिए यही संदेश है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार के द्वारा जी लंपी वायरस के चलते रोक लगाई गई थी जी जी पशुपालन पे, उस पे फैसला आ गया है जी। जल्द ही लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध, मतलब पूरी तरह से खोल दी जाएगी जी जी। अभी तक लोग ले जा रहे थे पशु ऐसे, अब जो है पूरी तरह से जो है जल्द ही लिखित आदेश आ जाएगा। मंत्री जी का आदेश भी हो चुका है जी, शासन प्रशासन के लोगों को जो है अवगत करा दिया गया है। दूसरी एक अहम जानकारी हम देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जी जी, ताकि हम ये देखें कि आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे किसानों को जो भी कुछ अवगत कराया जी वो लोग देखे, उसको उस पर थोड़ा ध्यान दिए जी। और लोग बाद में उसमें हमें पलट के कॉल भी की जी, आपके चैनल के माध्यम से उनको कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाई। ठंडक का महीना आने वाला है जी, आ ही गया है, और इस ठंडक के महीने में देसी नस्लों का थोड़ा रख रखाव सुधार इसमें थोड़ा लोग रखें। ठंडक के महीने में जितनी भी हमपदार गायें हैं, देसी नस्लें हैं, साहिवाल हैं, गिर है, कांकरेज है, थारपारकर है, राठी है, ये सारी नस्लें थोड़ा जो है बांधने के लिए इनकी व्यवस्था को किसान मेंटेन करें। सर्दी के मौसम में इनको धूप में थोड़ी छाया में भी कर दें, हफने लगें जो आपको लगे कि पशु को ज़्यादा धूप लग रहा है, और धूप भी मिलती रहे पर्याप्त, इनको नहलाया नहीं जाएगा। ठंडक के महीने में ब्रश कर सकते हैं, कंघी कर सकते हैं इन पशुओं को जी जी। HF और जर्सी जी, जो पशुपालक भाई दूध के लिए डेयरी के लिए काम कर रहे हैं जी, वो थोड़ा जो है क्रॉस ब्रीड पे और जर्सी पे काम करें जी, तो उनको जो है बेहतर लाभ मिलेगा इस मौसम। तो आप देख सकते हैं काफी शानदार जो है गाय है, और दांत में कितनी है और कितना दिन समय है इसको बच्चा देने में, और क्या इसका डिमांड किए हैं आप देख सकते हैं। इसका गलकंबल भी आप देख सकते हैं और हम्प भी देख सकते हैं, जो पैर के सीधा सामने जो है हम्प होता है उसका भी आप देख सकते हैं कैटेगरी। काफ़ी कम्पैक्ट ऑर्डर है और नाभि भी इसका आप देख सकते हैं। तो चलिए इस गाय का पूरा डिटेल्स जो है हम सर से जानेंगे, तो इस गाय के बारे में बता दीजिए सर। ये बछिया अपनी नस्ल बताने के लिए तो मोहताज नहीं है, क्योंकि लोग इसको देख के ही बता सकते हैं। साहिवाल नस्ल की ये जी पहली बछिया है जिसकी उम्र मात्र 2.5 साल है, 2 दांत की बछिया है। पहली बार बच्चा देने वाली है? पहली बार बच्चा देने वाली है, और इतनी सिधाई जी, एकदम शांत, कैसे भी जो है आप इसको जो है देखिए, प्रेग्नेंट अवस्था में अभी इतनी सीधी है जी जी। इसका ये ऑर्डर अभी 10 से 12 दिन का समय ये बच्चा देने में लेगी जी। और हम्प, गलकम्बल, मत्था, बड़ा कान, कहीं से ये मतलब बछिया वो नहीं हो रही है कि ये कहीं से क्रॉस हो जी।
तो क्या उम्मीद है सर इसका दूध का, दूध देने का फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में 12 लीटर का जो है उम्मीद करते हैं फर्स्ट टाइम में, माने 10 प्लस रहेगा, 10 प्लस ये रहेगी जी, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से डेवलप है जी, तो बच्चा देने में समय लेगी, एक सप्ताह का समय भी ले लेती है जी, तो एक सप्ताह इसके लिए बहुत पर्याप्त है जी। बच्चा देते वक्त 48 घंटे में एक गाय बेहतरीन ऑर्डर को डेवलप कर लेती है, आज इसका अगर जैसे एक सप्ताह है तो एक सप्ताह में ये बहुत ज्यादा ऑर्डर करेगी। तो क्या इसका डिमांड रखे हुए हैं सर? इसका डिमांड हम वैसे तो 60,000 रुपए रखे हैं जी। तो जो रेट बता रहे हैं फिक्स है या उसमें कुछ कम ज्यादा कर दीजिए? तो हमारे में फिक्स तो कभी नहीं रहता, हमेशा ही कम ही होगा ज्यादा नहीं होगा जी जी जी। और आप देख सकते हैं एक और सर के पास गाय है कि बनावट आपको हम दिखा दे रहे हैं, और कितना दिन इसको समय है बच्चा देने में हम सर से जानेंगे। पीछे से आप देख सकते हैं काफी अभी समय है इसको बच्चा देने में, आप देख सकते हैं गलकंबल भी देख सकते हैं और नाभि भी आप देख सकते हैं। तो इस गाय के बारे में सर थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जो है पहली बार बच्चा देगी, फर्स्ट बार बच्चा देगी, फर्स्ट बार, ये भी दो ही दांत की है, दो दांत की है, एक तरफ 4 दांत हो गई, एक तरफ 2 दांत जी जी, खील उखाड़ रही है, तो वही जो है इसका थन का जो गैप है जी जी वो बहुत बेहतरीन है, छोटे पैर की उसी बच्चिया की तरह ये भी बच्चिया जो है जी जी बहुत एकदम क्लीन है, और इसका थनों का गैप बेहतरीन है जी, बहुत सीधी ये भी है जी जी, एकदम सीधी शांत है, चारों थनों का गैप बेहतरीन फुल गैप है, और ये भी 15 से 20 दिन लेगी, 15 से 20 रोज समय है बच्चा देने में। तो अभी तो ऑर्डर अभी और बढ़ेगा सर, बहुत बढ़ेगा, अभी पूरी तरह से जो है डेवलप हो जाएगी, पीछे से भी बहुत बेहतरीन जी जी। क्योंकि इसका कितना उम्मीद किए हैं सर दूध का? 10 लीटर दूध जो है 10 का उम्मीद किए जी जी। तो क्या डिमांड रखे हैं सर इसका? इसका जो है डिमांड हम 45,000 रुपए रखे हैं। 45,000 रुपए, तो इससे उसका कम क्यों है सर? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए ताकि उनको ले चाहे ना ले उनको थोड़ा आसानी होगा। बच्चिया जो है अपनी सुंदरता और सफाई के कारण जी जी महंगी खरीदी हुई है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कई बार पहले भी बताया है कि हम कोई बाहर से बहुत दूर से गाय का नहीं मतलब वो करते हैं जी जी क्रय, ये नज़दीक से ही हमारी जो है खरीदी होती है किसानों की, शौकीन किसानों की जी जी। तो किसान जैसे शौक से इनको पाला है जी, तो वो बेचने के मन से नहीं भी है जी जी। तो उनका भी गए हम बच्चियाँ पसंद आ गई जी, तो कभी अपनी भी पसंद है कि पैसे से उनको बच्चियों को जो है जी जी सही बात, ज्यादा पैसा मिला और उन्होंने बेच दी जी। तो वैसे ही बच्चियाँ टाइट हो जाती है, महंगी हो जाती है खरीदारी में, लेकिन सफाई और सिधाई जी कभी कभी ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो पैसा कभी नहीं देखते हैं, अच्छी चीजें ढूंढते हैं जी जी। तो उन लोगों के लिए ये बच्चिया जो है जी उपलब्ध है। और ये तीसरी जो गाय है सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले आपको हम ऑर्डर की बनावट आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, और थनों के बीच जो गैप होता है उसको भी आप देख सकते हैं, थनों के बीच गैप। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर, नस्ल पहले बता दीजिए। ये क्रॉस ब्रीड है, कौन से नस्ल? साहिवाल और दोगली जर्सी की मिक्सअप है जी जी। इसमें थोड़ा सा कुछ 10-5% गिर का भी जो थोड़ा कान जो स्पॉट लिए हुए है जी जी। तो इसमें 2-3 नस्लों का मिक्सअप है, लेकिन है देसी ही जी जी। सीधी भी बहुत है, एकदम शांत है, जहाँ तक देखें तो जो है एकदम कैसे भी थन में हाथ लगाएं थनों का गैप अच्छा है, और ये पहली बार ही बच्चा देगी, 4 दांत की बच्ची है ये, फर्स्ट बार ही बच्चा देगी, और 10 किलो के आसपास ही दूध। कितना दिन समय है बच्चा देने में सर? बच्चा देने में इसका समय 12 से 15 दिन जी ये ले लेगी। क्या डिमांड रखे हैं इसका? डिमांड इसका हम 40,000 रुपए रखे हैं जी, किसान के आने पे यहाँ पे कम हो सकता है जी। और एक और गाय है सर के पास, छोटी गाय है, घरेलू गाय किसानों के लिए जी जी, छोटे पशुपालक हैं घर पे दूध खाने के लिए, तो ये बहुत सीधी गाय है जी। गाय छोटी है, बछड़ा नीचे है, बछड़े को जन्म दी है जी जी, शांत है एकदम दूहने में, दूध इसमें 8 से 9 किलो इस समय प्रेजेंट में, दोनों टाइम का, दोनों टाइम में 8 से 9 किलो दूध तैयार है। ऐसा नहीं ना कि एक टाइम आप 8 से 9 लीटर नहीं, बता नहीं, रहे हैं। एक टाइम देखिए क्या है, हमारे वहाँ यूपी में जो है दोनों टाइम का दूध चलता है जी जी, वो राजस्थान और गुजरात में एक टाइम का चलता है। तो इसका क्या डिमांड रखे हैं सर? इसका डिमांड जो है 35,000 रुपए, 35,000 रुपए रखा गया। तो आप देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 35,000 है, और सर के द्वारा बताया गया कि 8 से 9 लीटर जो है इसका दूध रहेगा, और इसका बच्चा जो है बछड़ा है। इस गाय के बारे में सर बता दीजिए, बच्चा पहले बताइए क्या है इसका? इसका बच्चा भी जो है जिस बाछी है इसमें बछिया है, बछिया है, और जिस नस्ल की गाय है उसी नस्ल का इसका बच्चा जी। काफी खूबसूरत बछिया है सर।
कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? इसको बच्चा दिन दिए हुए अभी जो है 5 दिन हुआ है। 5 दिन हो गया। अभी इसका नाभि लगा हुआ है। जी जी। इसका नाल है अभी इसमें लगा हुआ है। तो कितना अभी दूध दे रही है दोनों टाइम? इसमें प्रेजेंट में इसमें 10-11 किलो दूध आ गया है। 10 से 11 किलो। जी जी। इसमें कोई दूध नहीं रोका गया है जी। ये टाइम का है। सुंदर बछिया है, साफ है जी, सीधी भी है। साहीवाल का परसेंटेज इसमें है, थोड़ा सा जो है हल्का सा क्रॉस है, बाकी ये साहीवाल का परसेंटेज इसमें अच्छा है। इसका क्या डिमांड रखे हैं सर? इसका डिमांड जो है देने वाला इस समय 42,000 रुपये इसका लास्ट दाम लगेगा। 42,000 45,000 रुपये कहा जा सकता है जी जी, लेकिन 42,000 रुपये इसका। कौन सी बार बच्चा दी है सर? ये इस बार दूसरी बार बच्चा दी है। दूसरी बार दांत में है। और एक और सर गाय है, इस गाय का नस्ल बता दीजिए। और ये साहीवाल और गिर का मिक्स है जी। कल ही बच्चा दी है अभी। बच्चा दे चुकी है? हाँ, कल रात को बच्चा दे दी है। अच्छा, इसका बच्चा जो है बछिया है? बछिया दी है, आज रात को दी है, थोड़ा कमजोर बच्चा। तो आप देख सकते हैं इस गाय का बच्चा जो है यहाँ पर है, बछिया है, माँ के नस्ल जैसा नहीं है सर। लग रहा है किसान जो है सीमन दिलवाए हैं। तो किसान का क्या करे, किसान के बारे में भी एक जो है किसानों का दर्द हमने सुना है, देखा है जी जी, कि किसान तो हमेशा चाहता है जिस नस्ल का गाय हो उसका उसी समान नस्ल का सीमन, लेकिन ये पैरावेट डॉक्टर साहब लोग अपने थोड़ा अपना उस पे नहीं ध्यान दे पाते हैं जी जी, इस वजह से जो है किसान कई जगह सर उपलब्ध भी नहीं हो पाता है, रीजन ये भी होता है। कभी ये होता है कि गाय समय पे हीट पे आई, उस नस्ल का सीमन डॉक्टर साहब के पास नहीं है जी जी, तो पर्याप्त समय में उसको नहीं उपलब्ध करा के सोचते हैं कि किसान परेशान हो जाएगा जी जी, गाय नहीं समय पे सीमन पड़ेगा तो गाय जो है आगे पलट जाएगी जी जी, इसलिए डॉक्टर की भी मजबूरी होती है डॉक्टर साहब की, तो इसी वजह से थोड़ा नस्ल का है। तो ये कौन सी बार बच्चा दी है सर? ये इस बार दूसरी बार बच्चा दी है। सेकंड टाइम बच्ची दी है, कल ही बच्चा दिए, इसलिए इसके बारे में दूध के बारे में भी नहीं कुछ कहा जा सकता जी है जी। लेकिन एक आप इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं सर, अनुमान लगा सकते हैं ना? 10 लीटर का एक अनुमान इसने लगाया, मैंने 10 लीटर के आसपास कर देगी। 10 लीटर के, 1-2 लीटर इधर या 1-2 लीटर उधर। तो क्या इसका डिमांड रखे हैं सर? इसका इसका डिमांड 35,000 रुपए। 35,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 35,000 है, यानी कि 35,000 है। और इस गाय का बच्चा जो है बच्चिया है और सेकेंड टाइम जो है बच्चा दी है। और इस गाय के बारे में सर बता दीजिए। ये खाने में मस्त है जी। ये जर्सी इसको बोलेंगे हम जी, जर्सी क्रॉस और क्रॉस ब्रीड जो है ये दूध देने में बहुत माहिर होती है। मतलब ये छोटी है लेकिन इनमें अगर जो बड़ी गाय मिले तो अच्छा दूध देती है, छोटी गाय भी बहुत अच्छा दूध देती जी, है। इसने बहुत अच्छी सुंदर बछड़ी को जन्म दे रखा है। तो काफी खूबसूरत है सर, खूबसूरत बछड़ी को जन्म दे रखा है जी। इसमें इस समय प्रेजेंट में 10 से 11 लीटर दूध तैयार है जी। अभी ताजी ही बच्चा दी हुई, ज्यादा समय नहीं हुआ है बच्चा दिए हुए, 7-8 दिन का बच्चा है। और 7-8 किलो जो है दूध, 6-7 किलो दूध किसान बोल रहा है जी। इसमें टाइम पे हमने निकाला है 6-7 किलो, 6-7 लीटर, 6-7 लीटर निकाला है। हम भी जो है इसको आश्चर्य रह गए जब इसको हम शाम को दूध निकाले जी जी, तो 6-6.5 किलो दूध पर टाइम पे निकाल रही है जी। तो हम 10-12 लीटर ही किसान को बता के इसको जो है दोनों टाइम का 10 से 12 लीटर कर देगी। तो क्या इसका डिमांड करेगी दूध जी जी? इसका डिमांड जो है वो हम 35,000 रुपए रखे हैं। 35,000 रुपए। कौन सी बार बच्चा दी है सर? ये इस बार तीसरी बार बच्चा, तीसरी बार। दांत में तो मिल चुकी होगी? दांत में मिल चुकी है, लेकिन किसान ने इसको खिलाया नहीं या सेवा नहीं हो पाई है जी जी। जो भी स्थिति गाय कमजोर हो गई है, गाय कमजोर हो गई, लेकिन बहुत अच्छी दुहान की, बहुत सीधी गाय है। और एक और गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में। ये फैमिली काउ एक प्रकार से इनको हम कह सकते हैं जी जी, कि जो छोटा परिवार हो उसके लिए आराम से जो है पर्याप्त शुद्ध देसी टू मिल के जो है उनसे मिल सकता है जी जी। बछड़े को जन्म दिया है वो इसका बच्चा है। ये बछड़ा है इसका, ये वाला जी जी। बछड़े को जन्म दी है, एकदम शांत स्वभाव की है, दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी है। और इसका भी दाम हम 32,000 रुपए रखे हैं, मात्र 32,000। 32,000 रुपए। ये दांत में सर? दांत में तो ये जो है बराबर कर गई है जी जी, हो सकता है इस बार तीसरी बार बच्चा दी हो जी जी। और इस गाय के बारे में सर बता दीजिए। ये गिर क्रॉस है, गिर क्रॉस है और बछिया को जन्म दिया है जी जी। दूध इसमें अभी जो है 9 किलो है प्रेजेंट में, दुबली जरूर है लेकिन सीधे के मामले में कहें तो इससे बेहतर सीधी जो है इसमें गाय जो है बहुत सीधी है और बहुत ही शांत है। दूध 8-9 किलो है प्रेजेंट में इसमें एकदम, और बहुत ही शांत है, खाने पीने में बढ़िया है, क्वालिटी भी साफ है। इसको जरा बाहर निकालिए, इसका आप कान देखिए, एक प्रकार से इसका सींग दग गया है, हम तो कम है इसको इधर कर, कान आप देखेंगे इसका तो पूरा गिर का कान लिए है। हाँ, लग रहा है कि जहाँ पर थी वहाँ पर सेवा इसका सही सेवा से नहीं, इसका हो सही नहीं हो पाया है जी जी। बच्चिया को ही जन्म दी है जी। थन इसका देखिए, बहुत बेहतरीन ऑर्डर और थन,
स्पॉट भी गिर के इसने ले रखे हैं गर्दन में और पेट में। कौन सी बार बच्चा दिए है सर? छह है और दूसरी बार बच्चा दी है इसे, तो जो है कल हम शाम को देखे जो है तो छह दांत में है। जी जी। और दूसरी बार बच्चा दी है, अच्छी सेवा होगी तो 10 किलो दूध आराम से ये करेगी। जी। इस गाय के विषय में तो हम बेहतर जो है कह सकते हैं क्योंकि इसको 3 से 4 दिन आज हमारे पास जी दूध निकालते हुए हो गया है। बंद तो ऐसे हम 40,000 रखे थे लेकिन इसमें 35,000 रुपए जो है 35,000 जो है मैं देखी जाएगी। तो चलिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके माध्यम से ही लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंच रही हैं जो देसी नस्लों के बारे में या अन्य गायों के बारे में। काफ़ी लोग जो है आपकी चर्चा करते हैं फ़ोन करके कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये जानकारियाँ जो है पहुंच रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप हमारे फार्म पे आए और ये किसानों तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण अच्छी कुछ नस्लों के बारे में किसानों तक पहुँचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।